नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने DRDA सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा। भागलपुर टाउन हॉल में गुड सैमरिटन सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, DM प्रणब कुमार ने सड़क दुर्घटना में बेहतर कार्य करने वालों को किया सम्मानित। गैस एजेंसी कर्मचारी से 14 लाख रुपए लूट मामले में फरार अपराधी कन्हैया यादव गिरफ्तार, SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन की ओर से 3 दिवसीय कार्यशाला का होगा आयोजन, गंभीर बीमारी के ऑपरेशन का होगा लाइव प्रसारण। और राज्यसभा सांसद काकाशाह परवीन ने कहलगांव के कई प्रखंडों का किया दौरा, सदस्यता अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को भागलपुर के DRDA सभागार में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल कार्य सहायता योजना, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा समेत ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी तमाम योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने जिलाधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि सभी 242 पंचायतों एवं 898 गांवों को ODF घोषित किया जा चुका है, जिसमें से 800 गांव का सत्यापन भी हो गया है और ODF में जिले की उपलब्धि 89% है। जियो टैगिंग के सत्यापन में भागलपुर बिहार में पहले स्थान पर है। जिले में जियो टैगिंग की उपलब्धि 84% है। मंत्री ने कहा, जिन लाभुकों के पास शौचालय निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, उसे गाँव के बाहर जमीन उपलब्ध कराकर सामुदायिक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाए और भी पब्लिक प्लेस में भी सामुदायिक शौचालय बनवाया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,173 के लक्ष्य के विरुद्ध 23,813 आवास की स्वीकृति प्रदान करें एवं 22,381 लाभुकों को प्रथम किस्त का अंतरण किए जाने की बात कही गई, जबकि 17,126 लाभुकों को द्वितीय किस्त अंतरित किया जा चुका है। मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पूर्व निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस मौके पर DM प्रणब कुमार, ADM राजेश झा राजा, सभी प्रखंडों के वीडियो एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के अलावा मनरेगा, जीविका एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा सोमवार को टाउन हॉल में गुड सैमरिटन सम्मान समारोह सह वाहन चालक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणब कुमार, SSP आशीष भारती, CTSP सुशांत कुमार सरोज, CTDSP राजभन सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह और डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने सड़क दुर्घटना में बेहतर कार्य करने वाले संजय पासवान, विजय कुमार झा, कन्हैया लाल, साधो यादव और अशोक यादव को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र और 1,000 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का वीडियो बनाने से पहले उसे अस्पताल ले जाएं और अपने कर्तव्य का पालन करें। साथ ही DM ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए बताया कि घायल व्यक्ति की मदद करने वाले से पुलिस अनावश्यक पूछताछ नहीं कर सकती है। वहीं SSP आशीष भारती ने कहा कि सड़क दुर्घटना में वृद्धि होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण युवाओं का संयमित रूप से वाहन नहीं चलाना है। साथ ही SSP ने परिवहन नियम के पालन करने की बात कही। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने परिवहन विभाग के ऑनलाइन सिस्टम की विस्तार से जानकारी दी और जिले में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस प्रशासन द्वारा मिले सहयोग की प्रशंसा की। मंच का संचालन आकाशवाणी उद्घोषक डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा ने किया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी राहुल कुमार, MBI समेत कई पदाधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। जो समय चिकित्सा मिलनी चाहिए, उन व्यक्तियों को जो दुर्घटनाग्रस्त है, सतर्क प्राप्त हो सके और किसी का जीवन बच सके। कई बार चिकित्सा में समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नॉर्मली जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें दुर्घटना के दौरान रक्त का बनना, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो तेज गाड़ी चला रहा है, जो गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, बस उसी की जान जाती है। कोई पैदल चलने वाला, पूरे नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति हो, उसकी भी जान जा सकती है। वाहन चालक कार्यशाला
इसमें सड़क सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता फैलाना है। दूसरा है उसी का एक पहलू है गुड समेरिटन, देवदूत के ऐसे व्यक्ति जो दुर्घटना में किसी का जान बचाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, पुलिस को खबर करते हैं ताकि वैसे व्यक्तियों को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम है। ये परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है, 26 तारीख के पूरे बिहार में हो रहा है। उसी के तहत हम लोग भागलपुर जिला में भी इस कार्यक्रम का आयोजन वार्षिक है या फिर जो है। भागलपुर नाथनगर के साई गैस एजेंसी के मैनेजर से 14 लाख रुपए लूट मामले में फरार चल रहे अंतर्राज्यीय बैंक लुटेरा कन्हैया यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कन्हैया की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। एसएसपी आशीष भारती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के जरिए रविवार की सुबह कन्हैया यादव को मधुसूदनपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। 25 मार्च 2019 को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के संस्कृत कॉलेज के समीप बैंक में रुपए जमा करने जा रहे गैस एजेंसी कर्मचारी से 14,29,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी ने कहा कि कन्हैया यादव पर बैंक डकैती के 5 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। एसएसपी ने कहा कि कन्हैया यादव ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी है जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, डीएसपी निसार अहमद सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। पूर्व में करीब 3 या 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और आज कन्हैया यादव की गिरफ्तारी की गई है। कन्हैया यादव के ऊपर पूर्व में भी 5 मामले दर्ज हैं जिसमें बैंक की डकैती का मामला है, सभी जो लूटपाट और डकैती के ही मामले हैं और आर्म्स एक्ट का मामला है। इसमें यह पता चला है कि ये पैसे का बंटवारा करके इसके द्वारा घर बनवाया जा रहा है, तो पुलिस के द्वारा बिल कैंसिलेशन और पीएमएलए के तहत भी प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन के बिहार चैप्टर का कॉन्फ्रेंस भागलपुर में 15 से 17 नवंबर तक आयोजित होगा जिसमें राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त सर्जन शिरकत करेंगे। इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी विभाग में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में एएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर सुभाष खन्ना, डॉक्टर राजेश खुल्लर समेत कई विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर मृत्युंजय ने कहा कि 3 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन 10 तरह के ऑपरेशन राष्ट्रीय स्तर के सर्जन करेंगे जिसका लाइव प्रसारण JLNMCH के ऑडिटोरियम में होगा। प्रेस वार्ता के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि भागलपुर के इतिहास में पहली बार मल द्वार कैंसर का सफल ऑपरेशन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर मृत्युंजय की देखरेख में किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर जयप्रकाश सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर पीके झा, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। बिहार चैप्टर ESI का एनुअल कॉन्फ्रेंस 15-16-17 नवंबर को हम लोग कर रहे हैं आफ्टर 13 ईयर्स। उसी के बारे में अभी एक मीटिंग हम लोग क्या हुई थी 2 दिन पहले संडे को, उसी के लिए हम लोग ये बुलाए कि आप उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया। तो उसमें 2 चेंजेस हुए हैं, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लिए हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बाहर के एमिनेंट टीचर्स को बुला रहे हैं, एंड नंबर 2 यहाँ का सोशल आस्पेक्ट जो उसका है, एक वीवर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव से हम लोग मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और कुछ जो हम लोग का सेविंग्स होगा इस कॉन्फ्रेंस का पैसा जो बचेगा वो हम लोग उसको उसके एसोसिएशन को कंट्रीब्यूट करेंगे। जदयू द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर सोमवार को राज्यसभा सांसद कहकशा प्रवीण ने सनहौला प्रखंड के दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने 625 प्राथमिक सदस्य एवं 26 सक्रिय सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराया। सदस्यता अभियान सनहौला के सिलहन खजूरिया सनोखर बाजार जालंधर पंचायत में चलाया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। सांसद ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता को हरेक पंचायत में शिविर लगाकर सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी से जुड़े। इस मौके पर मुखिया संघ अध्यक्ष सुभाष चंद्र भगत, मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, पूर्व नगर अध्यक्ष सुड्डू साई, मोहम्मद हसीब, भावेश मंडल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कहलगांव विधानसभा के विभिन्न पंचायत का दौरा किया है हम लोगों ने और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने किया है और हमारे साथ कई मुखिया हैं जो अपने अपने पंचायत पे हमें ले जा रहे हैं और हम लोगों का
हम लोग गांव के लोगों से मिल रहे हैं और उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में हमारे प्रत्याशी अजय मंडल जी को विजय बनाने का काम किया, वहां जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग का जो सदस्यता अभियान है उसको हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PGIRPM विभाग में दिव्यांग छात्र सरोज कुमार को सर्टिफिकेट नहीं देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल दिव्यांग छात्र ने IRPM के विभागाध्यक्ष डॉक्टर SD झा पर पिछले दिनों कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स पूरा करने के बाद भी उसे विभागाध्यक्ष प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, जबकि हेड डॉक्टर SD झा ने छात्र द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया था। वहीं सोमवार को दिव्यांग छात्र अपनी समस्या लेकर कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा से मुलाकात की। छात्र ने बताया कि करीब 5 घंटे इंतजार करने के बाद काफ़ी आरजू मिन्नत करने पर उन्हें कुलपति से मिलाया गया। वहीं कुलपति डॉक्टर विभास झा ने पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। शोधार्थी सरोज कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी कुलाधिपति, PMO और मानवाधिकार आयोग को दे दी गई है। आज मैं यहाँ विशेष सर से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। IRPM विभाग से जो हम लोगों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें तिथि अंकित नहीं है, जिससे क्या भविष्य में मैं हम लोगों को उससे परेशानी हो सकती है। कहाँ कहाँ आवेदन दे रहे हैं? हम एक अभी डीसी सर को है ना दे रहे हैं, इसके बाद कुलाधिपति महोदय को देंगे, रजिस्ट्रार को देंगे और PMO में है ना भेजेंगे और राष्ट्रपति को देंगे। भागलपुर ललमठिया पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक की पहचान साहेबगंज बिंद टोली निवासी मुन्ना महतो के पुत्र प्रीतम कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसके बाद संदेह होने पर पुलिस ने खदेड़ कर युवक को पकड़ लिया। जाँच के दौरान युवक के शराब पीने की पुष्टि हुई है। भागलपुर के चंपानगर विसहरी मंदिर परिसर में अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से, जिसके अध्यक्षता ज्ञानू गुप्ता ने की, बैठक के दौरान लोगों ने पान समाज के लिए अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने का विरोध किया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता ने पान समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने की बात कही। इस दौरान पान समाज के लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विनय लाल, संजय लाल, प्रदीप दास सहित पान समाज के लोग मौजूद थे।
भागलपुर में हम पार्टी की ओर से सोमवार को सदस्यता महापर्व का शुभारंभ किया गया। सदस्यता अभियान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला प्रधान महासचिव अजय कुमार राय एवं जिला अध्यक्ष अशोक रजक के नेतृत्व में चलाया गया। सदस्यता अभियान 20 सितंबर तक चलेगा, जिसको लेकर सदस्यता रथ भी जिले भर में भ्रमण कर लोगों को सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सोमवार को भागलपुर के घंटाघर चौक पर पार्टी की ओर से शिविर लगाया गया और पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी के हाथों को मजबूत करने के लिए युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। विजय कुमार रजक ने कहा कि 26 दिनों तक जिले में हम पार्टी का अभियान चलेगा, जिसमें अलग अलग जगहों पर शिविर लगाकर एवं सदस्यता रथ के माध्यम से 15,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस मौके पर मुनीलाल यादव, महेंद्र भारती समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के भागलपुर इकाई की ओर से सोमवार को श्रम कार्यालय परिसर में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में किए गए बदलाव के विरोध में नारेबाजी करते हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने केंद्र सरकार से मालिक पक्षीय कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान यूनियन की ओर से केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन उप शर्मायुक्त कविता कुमारी को सौंपा गया। श्रम कानून में किए गए संशोधन से सेल्स प्रमोशन इम्प्लाय एक्ट 1976 के अंतर्गत विक्रय प्रतिनिधियों को प्राप्त वैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिससे कंपनी की मनमानी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने का खतरा है। प्रतिनिधि मंडल में यूनियन के अध्यक्ष नितिन कुमार, उपाध्यक्ष भास्कर, सचिव सुबोजित सेन गुप्ता, कोषाध्यक्ष के झा भी मौजूद थे। सचिव सुबोजित सेन गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार द्वारा श्रम कानून में किए गए संशोधन से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को प्राप्त कानूनी अधिकार समाप्त हो जाएगा और अपना वजूद बचाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करेगी तो चरणबद्ध रूप से आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर विनय चंद्रा, राजन, राजकिशोर, नीरज समेत काफी संख्या में MR मौजूद थे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का यूनियन मेडिकल FMRI के आह्वान पर उसका स्टेट यूनिट बिहार झारखंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन तथा BSSR यूनियन के साथियों आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए जो कानून बना हुआ है जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1976, उसको रिपील करने का जो साजिश इस इंडिया गवर्नमेंट के जरिए किया जा रहा है पिछला 23 जुलाई को संसद में, उसके तहत जितने मेरे कानूनी अधिकार हैं वो खत्म होने के कगार पे है। इसके विरोध में अपना वजूद बचाने के लिए देश भर का मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के नाम से भी जाने जाते हैं आज इस विरोध दिवस में प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के वरीय पुलिस अधिकारी थाना का प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं। रविवार को SSP आशीष भारती पीरपैथी और इसीपुर थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान SSP ने दोनों थाने में दर्ज कांडों की समीक्षा की और उसके निपटारे में तेजी लाने का निर्देश थानेदार को दिया। SSP ने संचिकाओं को अपडेट रखने, सख्ती के साथ शराबबंदी लागू करने, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और नियमित वाहन चेकिंग करने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया। वहीं SSP ने थाने में व्याप्त समस्या को जल्द दूर कर लेने की बात कही। इसके पूर्व पीरपैथी थाना परिसर में SSP ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान कहलगांव SDPO रेशु कृष्ण सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। रोटरी विक्रमशिला एवं रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब की ओर से सोमवार को रोटरियन सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा के जन्मदिन के अवसर पर अलीगंज एवं बाईपास के समीप वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों के साथ स्कूली बच्चों ने दर्जनों पौधे लगाए और समाज के लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। क्लब की चंदना चौधरी, किरण गोस्वामी, अंजना प्रकाश, रवि सिंह, विजय आनंद एवं पंकज सिंह समेत कई सदस्यों ने मजदूरों को माला पहनाकर सम्मानित और बच्चों एवं मजदूरों के साथ मिलकर केक काटकर रोटरियन प्रवीण सिंह कुशवाहा के दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर गिरजा प्रसाद, बबीता साहब, प्रीति पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। आज हम रोटरी विक्रमशिला पिंक की तरफ से सभी मेंबर प्रवीण भैया जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हमने 200 पेड़ पौधे भी लगाए हैं और हम हमेशा समाज के अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और उन्हीं की दिशा दिखाते हुए ही हम लोग करते हैं ये सब। उन्होंने ऐसी प्रेरणा हमें दी है जिसके कारण सभी महिलाएं हम सब मिलकर एक होकर एकजुट होकर के हम सारे कार्य, चाहे वो धूप हो, सुबह हो, शाम हो, हमेशा मिलजुल कर हम लोग समाज कार्य में तत्पर रहते हैं। चलते चलते फिर से एक नज़र डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने DRDA सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा। भागलपुर टाउन हॉल में गुड सैमरिटन सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, DM प्रणब कुमार ने सड़क दुर्घटना में बेहतर कार्य करने वालों को किया सम्मानित।
गैस एजेंसी कर्मचारी से 14 लाख रुपए लूट मामले में फरार अपराधी कन्हैया यादव गिरफ्तार, एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन की ओर से 3 दिवसीय कार्यशाला का होगा आयोजन, गंभीर बीमारी के ऑपरेशन का होगा लाइव प्रसारण। और राज्यसभा सांसद काकाशाह परवीन ने कहलगांव के कई प्रखंडों का किया दौरा, सदस्यता अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।